मैंने गूगल पे लिखा ओरेकल ई डिलीवरी, ये पहला जो लिंक आया ई डिलीवरी डॉट ओरेकल डॉट कॉम, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। जी सर, तो जहाँ हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जी, यहाँ से हम फिर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। पासवर्ड में रख देता हूँ एक फैक्टर ये कर लेते हैं बाद जी। क्या कह रहे हैं? में। सर प्लीज आप कंटिन्यू करें, हम वो कर रहे हैं इस पे ना। मैंने उस पर दे दिया, कंट्री भी दे दी, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी। अच्छा नहीं जी, मैंने ये डाटा एंटर किया और मैंने कर दिया जी क्रिएट है अकाउंट। अगर ये चेक योर ईमेल, ईमेल चेक कर लेते हैं हम अपने। सो यहाँ पे ओरेकल के मेरे पास ईमेल आ चुकी है जी, इसे मैं वेरीफाई करता हूँ। नाउ माई अकाउंट इज रेडी टू। प्लीज 8 करेक्टर लॉक शुक्रिया। हां अपर लोअर केस आ गया, एंटी और एंड स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर मिस होगा। नहीं जी, इसे मैं लॉग इन करता हूँ, इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी अपना पासवर्ड देता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ। मेरे पास ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पे मैं जाके करता हूँ जी P6, P6 पैमावीरा, P6 प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गई सॉफ्टवेयर की, सो आई कैन क्लिक ऑन द P6 प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 22.12.000, इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखें जी मेरे कार्ट में ऐड हो गया है, इसे मैंने कर दिया कंटिन्यू। तो यहाँ से मैं फिर इसे करता हूँ कंटिन्यू, एंड देन आई रिव्यू, और मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं वैसा जी बटन डाउनलोड का, तो ये कुछ फाइल्स हैं मेरे पर डाउनलोड हो गई। ये एक फाइल मेरे पर डाउनलोड हो रही है जी, इसे मैंने डाउनलोड किया और मैं इसे रन कर देता हूँ। ये देखेंगे, इसको रन किया तो चार फाइल्स मेरी क्यू में लग गई डाउनलोडिंग के लिए। ये चार फाइल्स के अंदर मेरे पास मौजूद है मेरा सेटअप, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं जी, देखें एक हो गया, ये बाकी तीन भी हो जाएंगे, फिर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
एक रह गया जी, माइट पॉसिबल आप भी इसे कर सकते हैं साथ साथ या फिर बाद में कर लें। जी सर, हम पूरा जो है इस पे फोकस है, हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसको ना पोस्ट सेशन के बाद, फर्स्ट सेशन के बाद हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये हो गया कंप्लीट। इसमें निकाल लेते हैं जी, ये किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, ओपन डेस्टिनेशन। देखिए चार मेरे पास फोल्डर बन चुके हैं, चार फाइल्स आ चुकी हैं इनके, इनको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो पता चल जाएगा हमारा सेटअप किसके अंदर पड़ा हुआ है। चाहे आप चारों को ना भी एक्सट्रैक्ट करें तो कोई इशू नहीं, जिस फाइल में हमारे पास जो ये हमारा सेटअप है वो वही हम ओपन कर लेंगे। अब इसमें नहीं है हमारे पास, इसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी देखें कि पीडीएफ पड़ी है, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यू कैन सी ये एक देखें P6 प्रोफेशनल सेटअप, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। ये देखिए मेरे पास सेटअप मुझे मिल गया, अब मैं उसे रन कर दूँ। टिपिकल एडवांस है तो टिपिकल ऑप्शन को मैं ओके करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से हुआ हुआ है तो वो उसे पूछ रहा है जी अपग्रेड करना है। ठीक है जी, वरना ये नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जी आपका सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं जी, ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटाबेस इसकी कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखें ये टिक लगा हुआ है, रन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास फ्यू ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू कनेक्शन पहले से मेरा बना हुआ है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ओरेकल भी नहीं करूँगा, ये पहले तीन बल्कि P6 प्रोफेशनल स्टैंड लोन करूँगा। अगर आप नेटवर्क लाइसेंस से कनेक्टेड हो फिर आप कोई भी अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद द स्टैंड लोन सिस्टम, और यहाँ से कर सकता हूँ एड ए न्यू स्टैंड लोन डेटाबेस एंड कनेक्शन। तो न्यू मैं ऐड करूँगा, नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मुझसे पूछता है जी पासवर्ड और अपना यूज़र नेम। लॉगिन है जी मेरे पास एडमिन नेम, लॉगिन नेम एडमिन और पासवर्ड भी मैंने एडमिन एडमिन रख दिया ताकि याद रहे। आप अपनी जो करेंसी है कोई भी सेट कर सकते हैं, बाद में भी कर लेंगे। नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखें जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो लिहाजा मैं इसे ओवरराइड कर देता हूँ। एलियास इज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके नाउ आई कैन क्लोज दिस। जी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, अब मैं इस कैपेबल हूँ कि मेरे पास P6 प्राइमावेरा यहाँ पे आ चुका होगा।
यू कैन सी डैट वन ए P6 विजुअलाइजर है, तो इसे नहीं हमने छेड़ना। P6 प्रोफेशनल स्टैंड अलोन डेटाबेस, ये भी हमारे काम का नहीं है, बैकएंड चलेगा, जब चाहिए होगा देख लेंगे। P6 प्रोफेशनल ये हमारा सॉफ्टवेयर है जी, सेटअप, इसको मैं ओपन करता हूँ। नाउ यू कैन सी लॉगिन, वही लॉगिन जो अभी हमने दिया है एडमिन, और मैंने पासवर्ड भी दिया था एडमिन। तो अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री या जो भी है इसको मैं ओके कर दूंगा मैसेज को। तो नाउ माय प्राइमावेरा हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इस तरीके से आप अपने प्राइमावेरा को इंस्टॉल कर सकते हैं।